अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, हाउ आर यू? आई होप आप लोगों ने अपने इंग्लिश के लेक्चर का जो चैप्टर था इन्वेंशन ऑफ ग्लास, आप लोगों ने उसकी रीडिंग की होगी जितनी मैंने आपको कल करवाई थी। आज हमने नेक्स्ट रीडिंग करनी है उसकी, ठीक है? यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ग्लास इज़ हेल्पफुल टू इन बिल्डिंग सबमरीन्स एंड स्पेस शिप्स। सबमरीन्स किसको कहते हैं? आप दोनों को कहते हैं जो समुंदर में चलती हैं, एंड स्पेस शिप्स और खलाई जहाज, ठीक है? ग्लास इज हेल्पफुल टू, ग्लास जो है, शीशा जो है, वो आग दोजों और खलाई जहाज़ों को बनाने में भी बहुत ज़्यादा कारामद या मददगार साबित होता है। द ग्लास यूज इज़ वेरी टफ, इनके अंदर जो शीशा इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत ज़्यादा क्या है, मजबूत है। टफ, वेरी टफ, बहुत मजबूत है। इट विल नॉट ब्रेक अंडर ग्रेट प्रेशर ऑफ वाटर। प्रेशर किसको कहते हैं? जो उसका दबाव हो, पानी का जो प्रेशर हो, उसका दबाव हो, वो क्या है, वो भी उसको नहीं तोड़ सकता। द कोल्ड ऑफ वाटर स्पेस, और जो खला के अंदर क्या है, शदीद सर्दी है, और द एक्सट्रीम हीट, और इंतहाई गर्मी। व्हेन कमिंग बैक इन टू द अर्थ एटमोसफेयर, और जब ज़मीन की जो आबो हवा है ज़मीन की, वहाँ से जब वापस आ रहा हो उसके माहौल से, तब भी वो उसको नहीं तोड़ सकता। इवन एस्ट्रोनॉट्स स्पेस सूट्स आर मेड ऑफ पार्शली ऑफ ग्लास। यहाँ तक के जो खुलाबाज हैं उनके जो खलाई लिबास बने होते हैं वो भी शीशे के बने होते हैं। ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ ग्लास, ग्लास की जितनी भी बनी हुई चीज़ें हैं, लेंसेज आर प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उनके अंदर जो लेंसेज है, लेंस आपको पता है ना क्या होता है, लेंस जो हम आइज में भी लगाते हैं अपने, वो सबसे ज़्यादा क्या है, अहम है। अ लेंस इज अ स्पेशली कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास। लेंस क्या है? ग्लास का, शीशे का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा कह लें आप, पीस जो है वो है, बहुत अहम है। डेट बेंड्स लाइट रेस, जो क्या करता है, वो रोशनी की जो शुआएँ होती हैं वो उनको भी मोड़ देता है। लेंसेज मेक थिंग्स लुक आइदर बिग और स्मॉलर देन दे रियली आर। लेंसेज चीज़ों को क्या करते हैं, जो उनकी असली हालत होती है उससे कभी बड़ा भी दिखा सकते हैं और उससे छोटा भी दिखा सकते हैं। द फर्स्ट लेंसेज वर यूज इन ग्लासेस टू हेल्प द पीपल सी बेटर। पहला लेंस क्या, कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया था, किसके अंदर? ऐनक में बनाया गया था। इन ग्लासेस ऐनक में इस्तेमाल किया गया था ताकि लोग क्या कर सकें, बेहतर तरीके से देख सकें। देन इन 1906, फिर 1609 में एन इटालियन साइंटिस्ट, एक इटालियन का साइंसदान था इटली का, नेम गैलीलियो, जिसका नाम क्या था, गैलीलियो, पुट टू ग्लास लेंसेज इनसाइड अ ट्यूब। जिसने एक ट्यूब के अंदर क्या किया, दो ग्लास के जो शीशे के लेंसेज थे उनको रखा। विद वन लेंस, एक के साथ, एट ईच एंड, एक को दूसरे के सिरे के साथ जोड़ा, ही लुक एट द स्काई थ्रू दिस फर्स्ट टेलीस्कोप, और फिर उसने टेलीस्कोप के जरिए आसमान की तरफ देखा। ही कुड सी थिंग्स इन द सोलर सिस्टम, ही डिस्कवर्ड द रिंग्स अराउंड सैटर्न, सॉरी, ही कुड सी थिंग्स इन द सोलर सिस्टम डैट नो वन हैड एवर सीन बिफोर। उसने निज़ाम शमसी में ऐसी चीज़ें देखी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। ही डिस्कवर्ड द रिंग्स अराउंड सैटर्न एंड द मून्स अराउंड जुपिटर। जुपिटर किसको कहते हैं? मुश्तरी को, और सैटर्न कहते हैं ज़हल को, जो हमारे सियारे हैं उनके नाम देंगे। उसने क्या किया, दायरे लगाए उसने, किसके गिर्द? ज़हल के गिर्द, और उसने जुपिटर में चांद को क्या किया, चांद को दरियाफ्त किया। इन 1675, 1675 में आर डुचमैन एंटन वैन लीवेनहॉक फाउंड अनदर वे टू यूज लेंस। डुचमैन जो था उसने, एंटन वैन लीवेनहॉक उसका नाम था, उसने एक दूसरा तरीका दरियाफ्त किया, किसका, लेंसेज को इस्तेमाल करने का। ही मेड एन इंस्ट्रूमेंट, उसने एक ऐसा आला तैयार किया कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप, जिसको खुर्दबीन कहा जाता है। थ्रू इट, उसके जरिए, ही कुड सी टिनी क्रिएचर्स, वो छोटी मखलूक को, स्विमिंग अबाउट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, जो कि पानी के कतरों में तैरती है, उनको देख सकता था। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा, ही लर्न द फॉर्म्स ऑफ लाइफ, उसने ज़िंदगी के तरीके सीखे, डैट कुड नॉट बी सीन बाय द आई अलोन, देखे जो कि पहले कभी भी अकेली आँख से नहीं देखे जा सकते थे। हिज डिस्कवरी लेट पीपल, उसकी दरियाफ्त ने लोगों को टू फाइंड आउट अबाउट जर्म्स दैट कॉज डिजीज, ऐसे जरासीमों के बारे में बताया जो कि बीमारी का सबब बनते हैं। पहले पांच जो हैं
फर्स्ट फाइव इसके वर्ड्स मीनिंग और सिनोनियम्स करने हैं। पहला वर्ड है हमारे पास सब्सटेंस। सब्सटेंस कहते हैं मादा, मैटर मटीरियल्स, ठीक है, मादे को कहते हैं। पजल्ड उलझन, उलझन कंफ्यूज होना, किसी चीज़ में इरिटेट होकर उसमें उलझ जाना। प्रेशर दबाव, पुशिंग फोर्स, किसी चीज़ का दबाव तनाव। एक्सट्रीम इंतहाई, पीक पे यानी कि ज़्यादा। ग्रेट उसका सिनोनिम है। सीमेंटेड तकवियत, फर्मली बॉन्डेड यानी कि किसी चीज़ के साथ जुड़ जाना, ठीक है। ये फाइव ही आपने इसके वर्ड्स मीनिंग अपनी कॉपीज़ पर करनी है और साथ में रीडिंग भी करनी है आपने।